टू माई चैनल। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं अपने एक आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर का सेटअप करूं। मुझे समझ में नहीं आ रही कि मैं कहां से शुरू करूं, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं दिल्ली में काफ़ी सालों से रह रही हूं यहां पे, और यहां पे मैं छोटी सी रेंट हाउस में रहती हूं। यहां पे रेंट काफ़ी महंगा है, तो एक छोटा सा रूम है और दूसरे रूम में तो मैंने पूरा उसमें स्टोर बना के रखा हुआ है, क्योंकि सामान जो ज़्यादा है और प्लेस कम है। तो दूसरे वाला रूम को मैंने पूरा कबाड़खाना बना के रखा हुआ है। इसी रूम पे मैं सो जाती हूँ और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ काफ़ी कुछ महीनों से। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब भी मुझे वीक ऑफ मिलेगी, जब भी छुट्टी होगी, तो मैं अपना आर्ट एंड क्राफ्ट या ड्राइंग वगैरह प्रैक्टिस करूँ। बहुत सालों से ड्राइंग नहीं करी मैं, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए। समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्पेस कहाँ से बनाऊँ, क्योंकि रूम तो काफ़ी छोटा है, आप जैसे कि देख सकते हो। एक यहाँ पे मैंने वीडियो का जो सामान रखी और ज़्यादा रूम को और ज़्यादा टाइट कर दिया है, और ये देखिए। तो मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहती, तो मैं बजट में एक ऐसा सेटअप करना चाहती हूँ इस वाले कोने में, जहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। मैं सोच रही थी कि यहाँ पे मैं अपने आर्ट एंड क्राफ्ट का टेबल एक रख दूँ, ताकि जब भी मुझे ऑफिस का काम से मैं फ्री होंगी, जब भी मैं मेरा वीक ऑफ होगा, तो मैं यहाँ पे बैठ के अगर मुझे कुछ ड्राइंग करना है, आर्ट एंड क्राफ्ट करना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे करूँ। तो यहाँ पे मैंने सामान एकदम कचरा बना के रखा हुआ है, तो मेरे पास मुझे एक टेबल चाहिए था, लेकिन मुझे ख़रीदने का मन नहीं था ऑनलाइन, क्योंकि रेंट हाउस में आप जब रहते हो तो जितना सामान हल्का हो उतना अच्छा रहता है, बिकॉज़ अगर आप शिफ्टिंग करते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज़ द रीज़न मैं ज़्यादा फर्नीचर वगैरह भी मुझे हल्का फुल्का ही है पसंद। ये काफ़ी पुराना टेबल था, ज़्यादा महंगा भी नहीं, सस्ता ही था, 500-600 का टेबल को मैंने इसमें, ये देख सकते हो, इसमें मैंने पेंट कर दिया, वाइट पेंट कर दिया। लाजपत नगर से लिया था 150 रुपीज़ में। ये दो पीस है, इसमें मैं भी दूसरा कुछ पेंसिल या स्केच पेन रखूँगी। यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस के लिए, मुझे ड्राइंग करना है प्रैक्टिस के लिए, मैंने फेबर कैस्टल का जो स्केच पेन आता है, लोकल स्टेशनरी शॉप से मैंने ख़रीदा, यहाँ पे रखा हुआ है मैंने। तो सारे वो है इस पर, तो यहाँ पर ड्रॉयर्स है, यहाँ पे कुछ सामान रख सकते हैं, अभी तक मैंने रखा नहीं है। तो ये वाले मैंने लास्ट टाइम लाजपत नगर से लिया था, कुछ सामान रखने के लिए मैंने, मुझे ये डिज़ाइन पसंद नहीं है, मुझे असल में एकदम ट्रांसपेरेंट चाहिए था, लेकिन उनके पास नहीं था, क्योंकि सस्ते में बेच रहा था, दोनों इसका 150 पड़ा मुझे। ट्रांसपेरेंट चाहिए, कि अदरवाइज़ मैं इस चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ। सो अगर ट्रांसपेरेंट होता है तो मतलब देख के याद आता है कि हाँ, इसे यूज़ करना चाहिए करके, जो चीज़ बंद में पड़ा रहता है उसे भूल ही जाती हूँ मैं। और ये मैंने, ये तो मैंने लिया था कोई कोरियन या जापानीज स्टोर से, भूल गए नाम, जो मिनीसो है क्या, वहाँ से। और ये मैंने कुछ मार्कर्स रखा हुआ है, जो अच्छे मार्कर को मैंने ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, क्योंकि मार्कर को अगर आप ऐसे रखते हो ना, तो इसके जो इंक है ना ऊपर का, वो नीचे चला जाता है और ड्राई हो जाता है वो। ये भी मैंने अमेज़ोन से बहुत पहले मंगाया था, विप्रो का। और ये तो मेरे कलेक्शन है, मैं ये क्रिस्टल्स वगैरह में कलेक्ट करना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये तो एमेथिस्ट है,
ये क्लस्टर है इसका, और ये जो रोज़ क्वार्ट्ज़ है कलेक्ट करा हुआ है, ये फिर सिट्रिन है, ये सब कलेक्ट करा हुआ है। ये भूल गई, एवेंचुरिन, ग्रीन एवेंचुरिन है क्या भाई, भूल गई। ये भी वो बता रहे थे कि ये सिट्रिन है, इंडियन वाला सिट्रिन है करके, इसको मुझे थोड़ा सा डाउट है। तो ये सब मैंने और भी सारे कलेक्शन करा हुआ है, स्टोन्स, क्रिस्टल्स, उसका मैं कभी दिन अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अलग से बनाऊँगी। और ये तो मैंने ऐसे ही जो लोकल नहीं होता, ये स्टेशनरी जो शॉप है उसके पास पड़ा हुआ था शायद, ये पेंटोनिक कोई मतलब पता नहीं कौन सा ऐसे पेन का ही, अगर बहुत ही ज़्यादा होलसेल में है तो उनको शायद दे देता है फ्री। मैंने इसको 50 रुपीज़ में भैया से ख़रीदा है, इसको आई हैव टू टेक इट ऑफ। ये सब मुझे निकाल के, मुझे इसको ये पसंद नहीं आया, इसको मुझे पूरा निकाल के इसमें मुझे वाइट, प्रोबेबली मैं वाइट से पेंट करने वाली हूँ इसको जब मुझे टाइम मिलेगी। तो ये आ गया मेरा अमेज़न का सामान, इसका मैंने अभी तक ये मैंने मंगाया ये बॉक्स, और ये मैंने अलार्म तो मैंने चेक कर लिया था, अलार्म क्लॉक मैंने मंगाया है, और ये इसका तो बहुत ही ख़राब, अच्छा से नहीं आया पैकिंग, जो पूरा ये फटा फटा पैकिंग आया है ये वाला, ये देखिए। ये मैंने अमेज़न से मंगाया था, इसका फिटिंग अच्छा नहीं है, ये वाले हैं देखो इसका, ये वाले मैंने मंगाया है अमेज़न से, मैनिकिन, ये मैनिकिन मंगाया है, मैनिक्विन नहीं होता, मैनिक्विन छोटा सा फॉर्म में है, इससे देख के प्रैक्टिस करूँगी मैं। ये मैंने फीमेल फिगर का मंगाया है, ये देखो, ये शायद 12 इंच, 12 इंच ऐसा फ्लेक्सिबल है, ये हाथ ऐसा भी होता है, इससे देखो ऐसे। तो ये डिजिटल एलसीडी क्लॉक है, मुझे काफ़ी पसंद आया ये, ऐसा है ये देख, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप अलार्म भी सेट कर सकते हो, और अगर सेटिंग करना है तो पीछे में इसका दिया गया है पूरा, ये लॉक करके अनलॉक कैसे करना है, अलार्म कैसे सेट करना है, ये भी पूरा पीछे में दिया गया है। आपको दिख रहा होगा कि ये आवाज़ में दबाना है इसको, सेट हो जाता है, ये AM में है, और ये इसमें ऐसे दबाने का सिस्टम है, ये छोटा सा था, ये देखो टेबल में जो फिट हो जाएगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे फिर स्पेस बनाना पड़ेगा, मुझे बड़ा नहीं चाहिए था, लास्ट टाइम मेरे पास काफ़ी बड़ा वाला था, मैंने घर में दे दिया, छोटा वाला चाहिए था। और स्पेशली इस वाले ये ड्रॉयर्स में ना मैक्सिमम जो होता है कलर, जो एकदम ब्राइट कलर आता है, मुझे ब्राइट कलर उतना पसंद नहीं है, मैं पसंद करती हूँ डल कलर, डल या तो मैं पेस्टल कलर पसंद करती हूँ। तो मुझे ये लास्ट पीस था, शायद अगर मतलब स्टॉक में फिर से है तो मैं लिंक दे दूँगी, आउट ऑफ स्टॉक था ये, एक ही लास्ट पीस था। मुझे इसका कलर बहुत पसंद है, बहुत ही मुश्किल से अमेज़न में काफ़ी सारे हैं, और एक एक था बहुत ही सुंदर था लेकिन काफ़ी महंगा था, इट वाज ऑलमोस्ट 4000, ये तो मुझे 900 में पड़ा, ये 900 समथिंग आफ्टर डिस्काउंट, और इसका दो ही पीस बचा था, मैंने एक ऑर्डर करा, एक किसी ने ऑर्डर कर लिया, बिकॉज आई लाइक द कलर सो मच। इसका देखो पेस्टल कलर है ना, काफ़ी लाइट सा कलर, पेस्टल सा कलर है, दिस कलर इज़ सो सूदिंग एंड देख के मतलब शांति सा लगता है, ऐसा कलर पसंद है मुझे, ज़्यादा ब्राइट ये सब सर दर्द होता है। ये देखो मुझे काफ़ी पसंद है, आई रियली लाइक दिस।
अभी तक तो मुझे रखने के लिए बस यही मिला। मैं मार्कर वगैरह को मैं अंदर नहीं रखना चाहती कि मैं भूल जाऊँ, मैं बाहर डिस्प्ले में रखना चाहती ताकि जब भी मेरा मूड होगा ड्राइंग वगैरह का, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं पकड़ के सीधा ड्राइंग करूँ। ये पेंटनिक, ये तो इसको मैं पेंट कर दूँगी। आई डोंट लाइक दिस, एकदम सिंपल सिंपल पसंद है। और ये यहाँ पे ऐसा रहेगा। ये सब हो गया, ये शार्पनर वगैरह यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा ऐसा शार्पनर। काफ़ी प्लेस है, स्पेस है अगर ये मार्कर वगैरह जाना है तो यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे डिस्प्ले में रखना चाहती हूँ। हाँ, ये कटर में ये यहाँ पे रख सकती हूँ। दैट इज़ इट। सो मेरा भी सेटअप कंप्लीट हो गया, आप देख सकते हो। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, हाउ इट लुक्स। तो ये रही मेरी टेबल। काफ़ी सालों के बाद ड्राइंग करूँगी मैं, बहुत सालों। ये मैंने खरीदा था लास्ट टाइम, मुझे एक फॉरेन ऑथर का ख़रीदना था, लेकिन इट वाज़ वेरी एक्सपेंसिव, ऑलमोस्ट 3000 का था। तो ये मुझे ये पड़ा मुझे 450 रुपीज़ का पड़ा। इंडियन राइटर है आदित्य चारी करके। इट्स गुड फॉर बिगिनर, क्योंकि मैंने कभी आर्ट का बुक जो नहीं पढ़ी, कभी पढ़ी नहीं है मैं। सो दिस विल बी माय फर्स्ट आर्ट बुक जो मैं पढ़ूँगी। कभी मैंने वो नहीं करा, जस्ट स्केच करती थी घर में, सेल्फ थॉट बचपन में करती थी, इंटरेस्टेड थी। और इसके अलावा कभी आर्ट बुक इस टाइप का पढ़ा नहीं है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू रीड दिस। मैंने आधा थोड़ा पढ़ लिया है, कुछ बुक्स इसमें हैं। सो इसका मुझे पढ़ पढ़ के प्रैक्टिस करना है। मैं करूँगी प्रैक्टिस, कुछ वीडियो बनाऊँगी बाद में आप लोगों के साथ में, साथ साथ में मिल के प्रैक्टिस करेंगे। आई विल प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस अलॉन्ग विथ मी, क्योंकि मेरा भी टाइम काफ़ी, मेरा भी वो है टाइट स्केड्यूल है मेरा। फिर भी स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अपने टाइम को मैं ऐसे ही खाली ना वो करूँ, प्रोडक्टिव कुछ ना कुछ करते रहूँ, ऐसा मैंने प्लान करा हुआ है। सो दिस इज़ हाउ माई सेटअप लुक्स, सस्ते में, इतना ही हो सका मेरे से, जितना हो सका इतना ही है। तो उस वाले ड्रॉयर में और भी सामान ऐड करूँगी, और आने वाले वीडियो में मैं प्रोबेबली जब भी मुझे टाइम मिलेगी तो मैं ड्राइंग प्रैक्टिस करूँगी, इस किताब को पढ़ूँगी, स्केचिंग करूँगी प्रैक्टिस छुट्टी के दिनों में, एंड साथ साथ करेंगे प्रैक्टिस। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव इन पीस। Oh, oh, oh.